زياش زياش جول रुको भाई रुको अभी आया नहीं मेरे गोलों का क्या बताना मत मैं नहीं आप बताना मत देखने दो मैं माइक नीचे रख रहा हूं भाई फीफा स्टॉप हेलीकॉप्टर Helicopter. तो हे गाइस वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। तो जैसा आप देख सकते हैं रिएक्शन से काफ़ी खुश हैं हम एस चेल्सी फैंस, गुरुजी भी खुश, हम भी खुश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये मैच जीतना स्पर्स से, 2-0 से हमने ये मैच जीता। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ वो केन का गोल था, थियागो सिल्वा बहुत इजीली चला गया, ही इजीली वेंट डाउन। पर मेरा ये भी मानना है कि अगर केन ने धक्का नहीं दिया होता थियागो सिल्वा को, तो थियागो सिल्वा ने वो बॉल जो है इजीली क्लियर भी कर देनी थी। 50-50 डिसीजन था, एज अ चेल्सी फैन मैं बोलूंगा कि नहीं था गोल, फाउल क्लियर था, शव किया है हैरी केन ने थियागो सिल्वा को। बट बाकी लोग ये बोलेंगे कि नहीं वो फाउल नहीं देना चाहिए था, हैरी केन का गोल था। तो ठीक है, अगर गोल होता भी तो मतलब ठीक है, चेल्सी स्कोर 2 goals एनीवे, तो ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो 50-50 डिसीजन है। मलंग सार का भी एक था इंसिडेंट, जब मैट डोहर्टी ने उनके स्टड्स अप एंकल पे बिल्कुल मारा, कुछ भी नहीं दिया वहाँ पर रेफरी ने, नॉट इवन अ येलो कार्ड। मतलब वीआर चेक किया और येलो कार्ड भी नहीं दिया, मतलब बॉल से दूर दूर तक कोई नहीं था। तो ठीक है, इनकंसिस्टेंसी है वीआर में, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, वो तो भैया हम हर दूसरे मैच में करते हैं। बात कर लेते हैं मैच की थोड़ी सी। तो शेप क्या था चेल्सी का, तो आई नो बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा, जो चेल्सी का स्पर्स के अगेंस्ट काराबाओ कप में जो 2 legs हुए थे, तो बिल्कुल वही लाइनअप थी, 4 at the back के साथ गई चेल्सी विद एस्पिलिक्वेटा, रूडिगर सिल्वा और मलंग सार एट लेफ्ट बैक विद अ डबल पिवट ऑफ जॉर्जिनियो कांटे। और मैं कहूंगा असेंशियली इट वॉज अ फ्रंट फोर विद ZH प्लेइंग वाइड, लुकाकू और कैलम हडसन उडाई थोड़ा सा साथ में खेल रहे थे, विद कैलम हडसन उडाई ड्रिफ्टिंग वाइड थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एज द गेम प्रोग्रेस्ड ऑन। और माउंट वॉज अ फ्री फ्लोइंग मिडफील्डर, जो कभी राइट पे भी आ रहा था, लेफ्ट पे भी आ रहा था, स्ट्राइकर के पीछे भी जा रहा था। तो आप चाहे इसको 4-2-3-1 कह लीजिए, 4-2-2-2 कह लीजिए, 4-2-4 कह लीजिए, या ट्रांजिशन में अगर हम देखें, जब डिफेंड कर रही थी चेल्सी तो इट वॉज अ 5 at the back ऑल्सो, जब कैलम हडसन उडाई और ZH दोनों लेफ्ट और राइट से ट्रैक बैक कर रहे थे। तो काफ़ी हमको डायनामिज्म देखने को मिला, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली। वी नो कि कॉन्टे की जो टीम है, जो कॉन्टे की स्पर्स है, ये कॉन्टे की जो टीम्स ट्रेडिशनली हैं, वो इतना प्रेस नहीं करती है, तो इट गेव अस दैट फ्रीडम और वो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमको आजमाने का मौका मिला आज के मैच में, सिस्टम के साथ खेलने का मौका मिला थॉमस टूकल को। तो ये बहुत अच्छा था, वर्क किया परफेक्टली, बहुत कुछ क्रिएट किया चेल्सी ने, दे वर एट इट फ्रॉम द मिनट वन। इंटेंसिटी में बहुत बड़ा मेरे को एक चेंज देखने को मिला, द पॉजिटिव थिंग जो आज मुझे मैच में देखने को मिली, दैट वॉज इंटेंसिटी, द की वर्ड हेयर इज इंटेंसिटी, जो कि मिसिंग थी। थॉमस टूकल ने क्लियरली बोला था ब्राइटन वाले मैच के बाद कि द प्लेयर्स आर टायर्ड, वी आर टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली। अगर आप देखें तो 17 मैच खेले हैं चेल्सी ने 1 दिसंबर से लेके अभी तक, 2 महीने के, मतलब 2 महीने भी नहीं हुए अभी पूरा, तो इतने कम टाइम में 17 मैच खेले। वहीं आप दूसरी टीम्स देखें तो 11-12 ऐसे मैच खेले। प्रीमियर लीग टेबल पर आप देखेंगे तो 24 मैच खेल लिया चेल्सी ने, स्पर्स ने तो यहाँ 20 मैच ही खेले, किसी ने 21 खेले, किसी ने 22 खेले, सारे कॉम्पिटिशन में अभी भी चेल्सी है, काराबाओ कप में भी है, FA कप में भी है, चैंपियंस लीग में भी, फिर इंजरीज, कोविड, ऑलमोस्ट हर टीम के मैचेस पोस्टपोन हुए चेल्सी के अलावा, तो उस वजह से भी एक ड्रॉप ज़रूर आया था इंटेंसिटी में। बट आज के मैच में कोई कंप्लेंट्स नहीं उस पार्ट को लेके, तो प्लेयर्स वर हंग्री, प्लेयर्स रियली वर मोटिवेटेड। साइमन फिलिप्स ने ट्वीट किया था मैच से पहले, आज चेल्सी प्लेयर्स ने आपस में एक मीटिंग करी है टू एनालाइज कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पॉइंट्स ड्रॉप करे जा रहे हैं, और सीज़र एस्पिलिक्वेटा बींग द कैप्टन उन्होंने लीड करी थी वो मीटिंग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो निकल के आती हैं, और उसका असर डेफिनेटली फील्ड पर भी दिखा। बात करें गेम की, तो जैसा मैंने कहा कि स्पर्स वर
नॉट एट इट एट ऑल और इट वॉज मोर ऑफ द सेम जो हमने कारबो कप में देखा था। काफ़ी ईजिली चेल्सी जीत गई बिना कुछ करे। थोड़ा सा क्लिनिकल हो सकते थे फर्स्ट हाफ में विद लुकाकू मिसिंग आई थिंक टू चांसेस जो लुकाकू को करने चाहिए थे स्कोर, बट कोई बात नहीं, उसके अलावा भी आई थिंक वी क्रिएटेड अ लॉट। हकीम ज़ियच अपार्ट फ्रॉम दैट मैग्निफिसेंट गोल दैट ही स्कोर्ड, मतलब ही वॉज एब्सोल्युटली बॉलिंग टुडे, नॉट ओनली हिम बट कैलम हडसन ओडोई का भी बहुत अच्छा गेम था। जो हमने देखा है कि जब हमारे विंगर्स क्लिक करते हैं और हमारे वाइड प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं तो डेफिनेटली हमारी टीम जो है ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। राइट हैंड साइड पे हमने बहुत ज़्यादा ओवरलोड किया, अगर आप देखेंगे तो शुरू में राइट हैंड साइड पे ही गेम चल रहा था बिटवीन माउंट, एस्पिलिक्वेटा एंड हकीम ज़ियच, वो तीनों ट्राइंगल्स बना रहे थे और जो भी हमारे थ्रेट आ रहे थे सारे हमारी राइट हैंड साइड से आ रहे थे। तो एक क्लियर गेम प्लान दिख रहा था आज और डेफिनेटली मतलब उसको एग्जीक्यूट किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। द टीम सिलेक्शन वॉज स्पॉट ऑन, द शेप विच वी वेंट वॉज स्पॉट ऑन और क्रेडिट टू थॉमस टुकल की किस तरीके से लिफ्ट किया आज के मैच से पहले। और इंपॉर्टेंट मैच था, सिक्स पॉइंटर था, अगर इस मैच में हम पॉइंट्स ड्रॉप करते थे तो ना केवल मैनचेस्टर यूनाइटेड बट आर्सेनल, ऑल्दो आर्सेनल ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप करे आज बर्नली के अगेंस्ट बट दिक्कत हो सकती थी। स्पर्स कैन स्टिल मेक ग्राउंड ओवर चेल्सी, अभी भी अगर वो सारे अपने गेम इन हैंड जीत जाते हैं तो दे विल बी अ पॉइंट अहेड। उस कॉन्टेक्स्ट में ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था चेल्सी के लिए और ये बेहतरीन एक परफॉर्मेंस है। अगर हम एक मैन ऑफ द मैच सिंगल आउट करना चाहें तो आप थियागो सिल्वा बोल सकते हैं, रूडिगर बोल सकते हैं, केपा का भी अच्छा गेम था, ऑल्दो ही डिड नॉट हैव टू डू मच बट ही मेड प्रिटी गुड सेव्स वेन एवर ही वॉज कॉल्ड अपॉन। मलंग सार हैड अ प्रिटी गुड गेम, माउंट फाइनली हैड एन इंटेंस गेम, दिख रहा था आज माउंट कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ही वॉज अ लाइव वायर टुडे। हडसन ओडोई मैंने बोला, लुकाकू की यहाँ मैं बात करता हूँ थोड़ी सी पहले। लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा कॉमेंट सेक्शन में भी कि लुकाकू वॉज क्रैप टुडे, आई थिंक ही वॉज वेरी गुड टुडे। अगर आप उसकी चांसेज हटा दो जो उसने मिस करे बिकॉज ऑफ लुकाकू, बिकॉज ही वॉज ऑक्यूपाइंग दो सेंटर बैक, जो सेंट्रल एरियाज थे जो स्पर्स के डिफेंडर्स थे, दे हैड दिस इन माइंड कि भाई लुकाकू खड़ा है बीच में और हमको उसको फ्री नहीं छोड़ना है, बिकॉज हडसन ओडोई चाहे लेफ्ट से हो, ज़ियच चाहे राइट से हो, कोशिश कर रहे थे बार बार कि लुकाकू को फाइंड किया जाए, उसकी फिजिकैलिटी का फायदा उठाया जाए। और लुकाकू की ऑफ द बॉल मूवमेंट की वजह से ही हमारे आज वाइड प्लेयर्स को, चाहे आप माउंट कह लो, एस्पिलिक्वेटा कह लो, इधर ज़ियच कह लो, हडसन ओडोई कह लो, इन सबको फ्रीडम मिल रही थी टू डू देयर थिंग और इसकी वजह से ही उनका आज गेम निखर के आ रहा था। तो इट वॉज अ वेरी वेल प्लेड गेम बाय थॉमस टुकल टुडे, क्योंकि उसको पता था कि लुकाकू हैज दिस एबिलिटी टू ऑक्यूपाई डिफेंडर्स, टू ऑक्यूपाई सेंट्रल एरियाज, परेशान कर सकता है, नाक में दम कर सकता है डिफेंडर्स की। तो वो एग्जैक्टली वो लुकाकू ने किया। हाँ, गोल नहीं आया, वो एक आ जाता तो परफेक्ट 10/10 परफॉर्मेंस हो जाती, बट नथिंग टू बी टू वरीड अबाउट। और मुझे आज बहुत अच्छा गेम लगा, बट माई मैन ऑफ द मैच हैज़ टू बी हकीम ज़ियच। ना केवल उन्होंने वो अमेजिंग गोल स्कोर किया, आई थिंक इट हैज़ टू बी वन ऑफ द गोल्स ऑफ द सीजन सो फार। एक कोवाचिच का गोल ध्यान आता है अगेंस्ट लिवरपूल एंड देन दिस गोल, एब्सोल्यूट बैंगर्स जो हमने गोल स्कोर किए। और कभी कभी ऐसे मोमेंट्स पे व्हेन योर टीम इज अ बिट डाउन, कुछ इस तरीके का मैजिक हमको चाहिए होता है टू गेट योर टीम अप, टू लिफ्ट योर टीम अप, और वो हम डेस्परेटली मिस कर रहे थे पिछले 7-8 मैचेस से और आज हमको वही देखने को मिला। बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट हमने डेडलॉक को ब्रेक किया एंड वी वर अहेड इन द गेम एंड देन डेफिनेटली थोड़ा सा स्पर्स बैकफुट पे चली गई एंड वी गॉट द सेकंड गोल थैंक्स टू थियागो सिल्वा। बट बिकॉज ऑफ दैट मैजिक, और वो एक मोमेंट था जिसकी वजह से मतलब हम लैक कर रहे थे, वो मोमेंट्स हमको नहीं मिल रहे थे कहीं ना कहीं पिछले 5-6 मैचेस में, और वो आज ज़ियच ने हमको प्रोवाइड किया वो क्वालिटी अप टॉप। और ना केवल अटैकिंग वाइज बट डिफेंसिव वर्क रेट वाज आल्सो ऑसम ज़ियच की। और मुझे याद नहीं कि एक भी पास अगर शायद आज ज़ियच ने गलत मतलब मिसप्लेस किया हो या किसी भी तरीके की कोई गलती करी हो व्हेन ही वाज ऑन द बॉल। बस मेरा यही एक रिजर्वेशन है दोनों ज़ियच और हडसन ओडोई को लेके कि कितना कंसिस्टेंटली ये खेलते हैं। मैं रिएक्शनरी होके नहीं बोलूंगा कि नहीं ज़ियच विल बी अ लॉन्ग टर्म सक्सेस एट चेल्सी, और ये ज़ियच ने बहुत बार किया है, विल कम आउट एंड प्ले अ ब्लाइंडर इन अ वन ऑफ गेम, फिर 5 मैच के लिए शांत हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए अब रेस्ट ऑफ द सीजन, इफ ज़ियच कंटिन्यूज दिस फॉर्म, कैलम हडसन ओडोई कंटिन्यूज टू परफॉर्म लाइक दिस, तो डेफिनेटली हमारा सीजन सुधर सकता है। अभी भी देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर एंड आई होप कि हम इसी तरीके से जो है प्रोग्रेस करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लेयर्स कीप ऑन यू नो टर्निंग अप इन द बिग मैचेस। और हमको बहुत एक क्रूशल विन मिल गई है आज ब्रेक से पहले। ब्रेक तो क्या है, एफए कप में खेलना है, फिर क्लब वर्ल्ड कप खेलना है। अब डायरेक्ट हमारा 19 फरवरी को मैच है क्रिस्टल पैलेस से और 5 मार्च को बर्नली से है, तो थोड़ा ठीक है, बाकी टीम्स जब तक थोड़ा खेल लेंगी और क्लियर हो जाएगी प्रीमियर लीग की टॉप 4 की स्थिति क्या है। और हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया अभी स्पर्स के ऊपर ये मैच जीत कर, और चौथी विक्ट्री है हमारी स्पर्स के ऊपर इस सीजन, 8-1 मान लो, चलो केन का वो गोल मैं मान लेता हूँ, तो काफ़ी अच्छे एग्रीगेट स्कोर से हमने स्पर्स को इस बार नेगोशिएट किया इस बार इस सीजन। तो गाइज आप मुझे बताएं कि आपका मैन ऑफ द मैच कौन था, आपको कैसा लगा मैच में,
क्या रहा आपका टेक आज के मैच से, एंड कैन चेल्सी कंटिन्यू टू परफॉर्म ऑन सच लेवल एंड बी कंसिस्टेंट एंड यू नो रियली कंसोलिडेट दैट प्लेस इन द टॉप फोर, एंड उसके बाद लुक एट दी अदर कॉम्पिटिशन जिसमें हम खेल रहे हैं। चलिए गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।